आप सब देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस प्रदेश खबर चैनल। हमारे साथ जुड़े हैं सूरज तोमर जी, जो कि पूर्व पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और समाज सेवी हैं। सूरज तोमर जी नवादा क्षेत्र के निवर्तमान पार्षद भी हैं। सूरज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप आगामी त्योहारों को लेकर? शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने जो है त्योहारों के समय पर सब लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए ये प्रयास किया है। आपको धनतेरस की, दीपावली की, आपको, आपके साथ में समस्त प्रदेशवासियों को, मेरे क्षेत्र के सम्मानित जनता जनार्दन को और पूरे ब्रजवासियों को, देशवासियों को धनतेरस की, दीपावली की, भैया दौज की, गोवर्धन महाराज की पूजा, गोवर्धन पूजा की, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बार बार सबको चरणों में वंदन करते हुए त्यौहार की ढेर सारी। सूरज जी, आप पूर्व में पार्षद रहे जी, उसके बाद भी जनता आपको आज याद क्यों कर रही है? ऐसा क्या कारण है जो जापी की क्षेत्र की जनता आपको याद करती है? शर्मा जी, मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि ये पार्षद का जो काम है, ये एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ में ये समाज सेवा का काम है। तो मैंने हृदय से उस पद को निभाया था और मेरा भरसक प्रयास रहता था कि हर जनता के सुख दुख में हर समय खड़ा रहूं। और क्षेत्र की जनता मुझे इसलिए याद करती है, वो मैं उनके सुख दुख में तो खड़ा रहता ही था। जब मेरी माता बहनें किसी गली में होकर निकलती हैं, आप देखा होगा आपने, ये क्षेत्र है, ये नया पहली बार नगर निगम में या नगर पालिका में आया था, तो नगर पालिका यहाँ थी नहीं, तो पहली बार नगर निगम में आया था। कभी किसी प्रधान ने, कभी किसी पार्षद ने, सभासद ने यहाँ कोई रोल नहीं रहा था, तो कभी ये गली किसी सरकारी विभाग से नहीं बनी थी। कॉलोनाइजरों ने अविकसित कॉलोनियाँ काट के कच्ची सड़कें डाल के छोड़ दी, तो किसी कॉलोनी में नाली नहीं थी, सड़क नहीं थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। मेरा जब किसी महिला को, बच्चों को लेके स्कूल छोड़ने जाते हुए देखता था, तो मेरा हृदय जो है पीड़ित होता था। मैं सोचता था ये मेरी माता, ये मेरी बहन जो है बच्चों को कीचड़ में होकर लेके जा रही है और कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं था। तो हमने भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए पहले पूर्व में काफ़ी प्रयास नेताओं के माध्यम से किया था, जनप्रतिनिधियों, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तब हमने ये संकल्प लिया कि अगर इस लड़ाई को जीतना है तो खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस भाव को लेकर के मैं पार्षद बना, जनता ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया और मैं जहाँ तक समझता हूँ मैंने भरसक प्रयास किया जितना बन सकता था। हम विषम सम परिस्थितियों में पार्षद बने थे, उस समय कोविड के 2-2.5 साल जो बीते थे, उसके बावजूद भी हमने जो है जनता का प्यार पाने की हर समय कोशिश में रहते थे। आप सब देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे मथुरा वार्ड नंबर 16 के निवर्तमान पार्षद, वरिष्ठ भाजपा नेता सूरज तोमर, पूर्व पार्षद नगर निगम मथुरा वृंदावन ने बताया धनतेरस, गोवर्धन पूजा व दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ बताया कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे लिए पिता तुल देव तुल है। जहाँ जनता का पसीना गिरेगा, मैं जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता हूँ। आपका अपना सूरज तोमर, कैमरामैन सुषमा ठाकुर के साथ राहुल शर्मा।